हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेलवानो ऐप। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चेन रूल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि चेन रूल जो है वो हमारा कब यूज होगा, जब हमें कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली कंपोजिट फंक्शन, जैसे कि हमारा, मैंने आपको बताया था कि एफ ऑफ जी एक्स हमारा एक क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। तो जब भी हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तभी हम क्या यूज करेंगे, चेन रूल यूज करेंगे। अब देखिए, ध्यान से सुनना, जब मान लीजिए आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है एफ ऑफ जी एक्स का, इसको मैं मिटा देता हूं, ये यहां पर ऊपर लिख देता हूं, ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना है एफ ऑफ जी एक्स का, तो आपको जब भी ये करना होगा तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एफ के अंदर आप ध्यान से देखो एक्स नहीं लिखा है, क्या लिखा है, जी एक्स। एफ के अंदर क्या लिखा है, जी एक्स लिखा है। जब हमें एफ का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना होता था एक्स के रेस्पेक्ट में, तब तो हम इसको डायरेक्ट एफ डैश एक्स लिख देते थे, लेकिन अभी हम इसको डायरेक्ट एफ डैश एक्स नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एफ के अंदर यहां पर क्या लिखा है, जी एक्स। तो पहले हमें इसको जो एफ के अंदर लिखा है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एफ के अंदर क्या लिखा है, जी एक्स, तो इसका मतलब ये लिखा है एफ ऑफ जी एक्स अपॉन डिफरेंशिएशन। एफ को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जो एफ के अंदर लिखा है, क्या लिखा है, जी एक्स, तो जी एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे इनटू। अब इस जी एक्स को भी तो करना पड़ेगा, अगर नीचे जी एक्स आया है तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस जी एक्स को अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जो जी के अंदर लिखा है, जी के अंदर क्या लिखा है, एक्स लिखा है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे। ओके, अब यहां पर देखिए नेक्स्ट, और समझिए, अभी तो दो फंक्शन थे, अब मैं तीन फंक्शन ले रहा हूं। तो तीन फंक्शन जब लोगे तो क्या होगा, अब मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स का, ये तो बवाल है, क्या करेंगे इसका, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है इसको। देखिए, पहले सबसे पहले देखो कि एफ के अंदर क्या लिखा है, तो एफ के अंदर क्या लिखा है, जी ऑफ एच एक्स, तो पहले हम उसको इसको एफ को जी ऑफ एच एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, समझ में आया, जो इसके अंदर लिखा है उसके रेस्पेक्ट में पहले करो, जो इसके अंदर लिखा है, फिर उसके बाद अब ये नीचे आया है तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा। अब जी के अंदर क्या लिखा है, जी के अंदर क्या लिखा है, एच एक्स, तो मतलब इसको हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एच के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एच एक्स इनटू, अब ये क्या है, एच एक्स, तो एच एक्स सॉरी अंदर जा रहे है, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो एच एक्स अब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एच के अंदर अब डायरेक्ट आपका एक्स लिखा हुआ है, समझ में आया। अब जैसे कि यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा देता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे को डिफरेंशिएशन करना है ln x स्क्वायर प्लस 1 का x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब हमें इसका करना है, अब देखो हमें ln x का डिफरेंशिएशन पता है, हमें ln x स्क्वायर प्लस 1 का नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो भी ln के अंदर लिखा है, जो भी ln के अंदर लिखा है, क्या लिखा है, x स्क्वायर प्लस 1, तो पहले हम उसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, जो भी एलएन के अंदर लिखा है उसके रेस्पेक्ट में कर लो, फिर इनटू, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अब इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट एक्स है, ये तो डायरेक्ट एक्स का फंक्शन है, तो आप इसको तो सिंपली एक्स के रेस्पेक्ट में कर सकते हो इस बार, ठीक है। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, देखिए ये ln x स्क्वायर प्लस 1 को आप x स्क्वायर प्लस 1 के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इसको तो मैं t भी मान सकता हूं ना, ऐसा बोल सकते कि ln t को t के रेस्पेक्ट में करना है, तो डायरेक्ट क्या होता था हमारा, ln इसका 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, 1 अपॉन t तो होता था ln mod x का, फिर उसके बाद क्या बनेगा, इनटू x स्क्वायर का कितना होगा 2x, और बीच में प्लस साइन है, 1 का कितना होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या बन जाएगा फाइनल आंसर हमारा 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ये हुआ। अब ये मेथड तो है आपका कि जो आपको बोर्ड में पूरा इस तरह से शो करना है, ठीक है, लेकिन हमें तो ऑब्जेक्टिव में चाहिए, तो हमें ऐसा तो ऐसा नहीं है कि हम बार बार ही ऐसा करेंगे, तो बार बार नहीं करना है, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सुनिए ln x स्क्वायर प्लस 1 का लिखना है,
ln x का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1 अपॉन x होता है, तो इसको लिख दो 1 अपॉन जो भी ln के अंदर लिखा है, फिर इनटू, फिर जो अंदर लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करो, बाहर से अंदर जाओ, पहले बाहर देखो क्या लिखा है ln, ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो ln के अंदर जो था हमने 1 अपॉन वो लिख दिया। अब इनटू करके क्या करेंगे हम, जो ln के अंदर लिखा है अब उससे पूछो कि आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसने बोला मेरे पास x स्क्वायर है, तो हमने बोला आपका डिफरेंशिएशन 2x होगा, प्लस फिर 1 भी लिखा है तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। देखिए एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, तो ये सब करने की बजाय डायरेक्ट भी आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। तो बेसिकली ये है हमारा चेन रूल, जो ये चीज लिखी हुई है ये यही है जो ये लिखी हुई है। तो मैंने तो सिर्फ दो फंक्शन के लिए लिख के दी है, आप तीन के लिए भी लिख सकते हो, आप चार के लिए भी लिख सकते हो, आप पांच के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हुआ, अगली स्लाइड पे स्पेस है, यस स्पेस है। एक और मैं एग्जांपल आपको लिख दूंगा, एलएन के अंदर और भी चीजें लिखेंगे। अभी देखिए चेन रूल में वही है जैसा ही मैंने आपको बताया, ये चीज वही है, बस आप जो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया आपको, आप उसको दिमाग में रखो, ये सब फॉर्मूले वगैरह जो है ये सब कंफ्यूज करके रख देंगे। सिर्फ क्या करना है, पहले बाहर वाले फंक्शन से पूछो कि आपके अंदर क्या लिखा है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, फिर वैसे चेन बनाते चले जाएंगे, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर ln sin x स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो ये है, अब जो फंक्शन के अंदर उसके अंदर भी फंक्शन इस तरह से चल रहा है, मतलब ln के अंदर sin का फंक्शन, फिर sin के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x x का फंक्शन। तो हमें यहां पर देखो एक मैं पूरे प्रॉपर मेथड से भी दिखाऊंगा और डायरेक्ट भी हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम प्रॉपर मेथड से जाएं तो पहले कि आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन लिखना है आपको ln sin x स्क्वायर प्लस 2x का। तो हमने ln से पूछा कि आपके अंदर क्या है, तो ln क्या बोलेगा, मेरे अंदर sin x स्क्वायर प्लस 2x। अगर ln x होता तो हम डायरेक्ट लिख देते 1 बाय x, लेकिन यहां पर ln x नहीं है, ln के अंदर भी कुछ लिखा है, तो पहले जो अंदर लिखा है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर इनटू, फिर अब ये डिनोमिनेटर में लिखा है तो इसको न्यूमिनेटर में भी लिखो, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है। अब देखिए जो साइन के अंदर लिखा है, अगर ये केवल हमारे पास साइन एक्स होता तो हम डायरेक्ट लिखते कोस एक्स, लेकिन यहां पर ये डायरेक्ट साइन एक्स तो नहीं है, साइन के अंदर भी कुछ लिखा है, तो पहले जो अंदर लिखा है पहले उसके रेस्पेक्ट में करो, और फिर अगर आपने इसे डिनोमिनेटर में लिखा है तो इसे हम ऊपर न्यूमिरेटर में भी लिखेंगे, और ये तो डायरेक्ट x का ही फंक्शन है तो इसे हम डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखो ln का इसके रेस्पेक्ट में, ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, तो n अंदर जो लिखा है वो लिख देंगे sin x स्क्वायर प्लस 2x, फिर इनटू sin का इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, cos x स्क्वायर प्लस 2x इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो 2। तो देखो कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो क्या करेंगे, ln से पूछो आपके अंदर क्या लिखा है, उसने बोला sin x स्क्वायर प्लस 2x, हमें पता है ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन क्या बन जाएगा, sin x स्क्वायर प्लस 2x, फिर इनटू अंदर गए तो क्या मिला, साइन, साइन से पूछा आपका डिफरेंशिएशन, उसने हमने बोला कोस एक्स, तो हमने बोल दिया यहां पर कोस, लेकिन उसके अंदर एक्स नहीं लिखा है, उसके अंदर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। अब साइन के भी अंदर गए, उससे पूछा क्या लिखा है, तो उसने बोला एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, हमने बोला एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो टू एक्स होगा, और टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू होगा, तो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये है चेन रूल, अगर आप इसको देखो तो यहां पर क्या लिखा है, देखिए y is equals to f of t और t फिर phi of x, तो इसका मतलब y क्या बन गया हमारा, f of t की जगह हम phi x लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आपको dy by dx लिखना है तो आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ f of phi x, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू phi x लिखेंगे पहले, और फिर phi x का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से हम लोग जो है इसका डिफरेंशिएशन यहां पर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब यहां पर फाई की जगह इन्होंने टी लिख दिया, फाई की जगह क्या लिख दिया, टी लिख दिया, एफ ओ फाई एक्स की जगह क्या लिख दिया, एफ ओ फाई एक्स की जगह वाई लिख दिया,
बस खत्म बात, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब बताओ फॉर्मूले में क्या रखा है? आपको फॉर्मूला यहाँ रटने की जरूरत थोड़ी ना है, हमें तो मेथड सीखना है। तो फॉर्मूला रटने की बजाय आप ये मेथड पे ध्यान दो, अप्रोच पे ध्यान दो, तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, आपको बताना है कि ये तो बहुत सिंपल है। अब ये क्या बच्चा है, तो एकदम हम तो बड़े एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि आपको डीवाई बाई डी एक्स यहाँ पर बताना है, वाई इक्वल्स टू ये गिवन है। तो सबसे पहले हमें कौन मिला, साइन। साइन से हमने पूछा आपका डिफरेंशिएशन, तो हमने बोला कोस। उसके अंदर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू, अब जो उसके अंदर लिखा है उसका डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो प्लस, तो ये बन जाएगा। अब यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 2x cos x स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। अब ये प्रॉपर मेथड ये क्या है, ये u वगैरह मान मान के आप कर ही सकते हो। इसको हमने dy by dx, इसको u मान माइन लिया, y is equals to sin u, मतलब इस फंक्शन को u मान लिया है, ठीक है। इस तरीके से भी अप्रोच से जा सकते हो। फिर उसके बाद वही है कि डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा रहे हो, तो फॉर्मूले वाली अप्रोच से जाओ या कंसेप्ट से जाओ, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप जा सकते हो, फाइनल आंसर तो सेम आने ही वाला है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी अप्रोच कुछ और है या किसी और की कुछ और है और आंसर अलग अलग आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर आंसर अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब किसी ने गलती की है। अगर आंसर सेम ही आएंगे, आंसर वेरी नहीं कर सकते, अगर आपका मेथड सही है तो। तो दिस इज ऑल अबाउट चेन रूल। चेन रूल ये याद रखना कि हम कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं, ओके। और आने वाले लेक्चर्स में जो है हम और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो रहेगा वो हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन रहेगा, वो भी बहुत मजेदार है। तो वहां पर भी जैसे मान लो अभी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के लिए तो हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, लेकिन मान लीजिए तीन फंक्शन आ गए, चार फंक्शन आ गए, पांच आ गए, छह आ गए, सात आ गए, आठ आ गए, तो आठ फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए थोड़े ही ना आप लोग प्रोडक्ट रूल लगाने बैठोगे। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, तो वहां आएगा हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो दिस इज ऑल अबाउट चेन रूल, रेस्ट वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर्स। सो आई होप यू डिड फॉलो दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।